गाइज, अगर आप टेक्नो यूजर हैं तो आप ये जरूर जानते होंगे कि हमारे फ़ोन में जो है एक फ्रीजर नाम का एक आइकन जरूर ही मिलता है, जिसमें जो है हम अपने एप्स को ऐसे फ्रीज करते हैं। सो गाइज, अगर ये आपके टेक्नो फ़ोन में अगर ये ऑप्शन नहीं है, या फिर आप ये इस आइकन को लाना चाहते हो, या फिर आप इसे बंद ही करना चाहते हो, तो हम इसे कैसे करें, मैं आपको यही सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को इन तक जरूर देखना। तो अभी आपको सिंपल से आपको बस अपनी स्क्रीन को ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है, और यहाँ पे हमें सबसे किनारे पे एक ऑप्शन मिल जाता है डेस्कटॉप सेटिंग, बस आप उसी में चले जाइए। और यहाँ पे हमें थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन मिल जाता है अदर सेटिंग्स, बस आपको जो है उसी में चला जाना है। और यहाँ पे आने के बाद हमें देखिए वही ऑप्शन मिल जाता है फ्रीजर वाला, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ऑन है, आप इसे ऐसे ऑफ कर सकते हो, और अगर आपका ये ऑफ हो तो आप इसे ऐसे ऑन कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं अगर इसे ऐसे ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने ऑफ कर दिया है, तो यहाँ से देखिए वो आइकन भी अब हट गया है, अब ये आइकन भी नहीं मिलेगा। और इसके अंदर आपके जो जो भी एप्स होंगे वो भी अब उसी में हैं, वो भी आपको इधर कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे जो भी आपने फ्रीज किए थे। सो बस गाइज, अगर आपको इसे हाइड ही करना है तो यहाँ से आप इसे हाइड और अनहाइड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए अभी फिर से ऑप्शन आ गया है, ये आप देख सकते हो, ये हमारा जो है फ्रीजर आइकन आ गया। अगर ये वीडियो आपके थोड़े भी काम आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इसी टेक की जानकारी पर वीडियो बनाते रहता हूँ। तो थैंक यू गाइज़।